आप देख रहे हैं वही तो फैमिली न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। होली के चटक रंग में नीमच का बाजार रंग गया है। दो साल बाद हर तरफ होली के त्योहार की धूम है। बाजार में भी इन दिनों रौनक बढ़ गई है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक महामारी कोरोना का असर होली के त्योहार पर भी पड़ा है। इस बार परिस्थितियां सामान्य होने की वजह से बाजार गुलजार दिख रहे हैं। इस साल होली पर कई तरह की पिचकारी बाजार में धूम मचा रही है। केमिकल वाले रंग से परहेज करने वाले गुलाल खरीद रहे हैं, जिसे गुलाब और गेंदे के फूल से तैयार किया गया है। दुकानदार राकेश चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार होली की पिचकारी और रंगों में 20% की महंगाई वृद्धि हुई है और बाजारों में विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ आई है। पिचकारी दाम की अगर बात करें तो 10 रुपए से लेकर 700 रुपए से ऊपर तक की पिचकारियाँ भी दुकानों में देखने को मिली है। सब एक से एक है, इस बार उत्साह बहुत अच्छा है ग्राहकों का। ये दो साल से कोरोना के चक्कर में ग्राहकी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी ग्राहकी। दुकानदारों को तो आशा थी जो पूरी हो रही है वो होगी। इस बार काफ़ी ग्राहकी है बाजार में, भीड़ भी बहुत अच्छी। दामों में 20% उछाले, टैक्स लगा बहुत, 10% टैक्स मांगा उन्होंने एक्स्ट्रा दुकानदारों ने। ग्राहकों पर पड़ेगा स्वाभाविक पड़ेगा, और पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण, और थोड़ा ट्रांसपोर्ट से भी महंगा पड़ा है। नहीं तो वो एक से एक आई है, अच्छे से अच्छी पिचकारी आई है। ये 20 रुपये से शुरुआत है और 700 रुपये तक की पिचकारी है। ये था आज का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।